लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे ही बुला लिया होता। मुझे लगा कि खुद ही चलकर बात करना बेहतर होगा, इसीलिए। आने की कोई खास वजह? इंस्पेक्टर साहब, हारिस का एक दोस्त है जुबैर, वो हैदराबाद में रहता है। मुझे लगता है कि उससे बात करके हमें जरूर फायदा होगा, वो जरूर सच्चाई जानता होगा, क्योंकि वो हारिस का बहुत खास दोस्त था और उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। सच्चाई? सच्चाई कैसे? मुझे लगता है कि हारिस की मौत के पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। देखिए, जहां तक मुझे मालूम है, हारिस की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। हाँ, जानते तो हम सब भी यही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई कुछ और ही है और जुबैर इसके बारे में जरूर जानता होगा। अगर ये बात है तो हम जुबैर को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन इसमें हमें आपकी मदद चाहिए होगी। मगर मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो हैदराबाद में रहता है। लेकिन उसका कोई फोन नंबर या क्लू जो उस तक पहुँचने में हमारी मदद करे? ठीक है, मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं जरूर आपको इत्तला करूंगी। एक बार वो हमारे हाथ में आ जाए, हम उससे सारी सच्चाई उगलवा लेंगे। थैंक यू। अम्मी, आज क्या तारीख है? आज 12 तारीख है। क्यों? अब्बू को तो भूलने की आदत है, अब आप भी भूलने लगी? मैं भूल गई? लेकिन क्या? आज अब्बू के दोस्त बशीर भाई की बेटी की शादी है। ओह, हाँ हाँ, अच्छा हुआ तुम्हें तो याद रहा, जाकर अपने अब्बू को भी याद दिला दो। अम्मी, ये तो ताज्जुब की बात है कि ये बात अब्बू ने मुझे याद दिलाई और ये कहा कि सब घर में तैयार रहें, वो एक मीटिंग में है। बशीर भाई बहुत नेक इंसान है, हम सब चलेंगे। अगर देर हो गई तो अब्बू की डांट सुननी पड़ेगी। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अब्बू के आने से पहले ही हम सब तैयार हो जाएंगे। मलिक साहब, एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है? मालूम ये हुआ है कि अली आवर साहब के घर के सारे लोग आज शादी में बाहर जा रहे हैं। वेरी गुड। मंजूर सदीके साहब, ऐसे मौके बार बार नहीं आते और हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। आज वो फाइल हासिल कर लेनी चाहिए। तो बस यूं समझिए कि वो फाइल हमारे हाथ लग गई। शाम हो चुकी है, तैयारी कर लेते हैं, अंधेरा होते ही निकल चलेंगे। ओके, डन। अम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि अबीर को हमारे साथ शादी में जाना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? अम्मी, वो बेवा है और ऐसे मुबारक मौके पर उसका जाना ठीक नहीं होगा, वो लोग हमें गलत समझेंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो, अबीर को शादी में नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग बुरा मान जाए। जमाना कहां से कहां पहुंच गया और आप लोग दखियानूसी बातें कर रहे हैं। बशीर भाई अब्बू के दोस्त हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई एतराज होना चाहिए। हाँ, मगर कुछ कायदे कानून ऐसे भी होते हैं जिन्हें मानना ही पड़ता है। सॉरी, मुझे तैयार होने में देर हो गई। चले, भाभी जान का है? ये लोग भाभी जान को शादी में ले जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो बेवा है। अम्मी, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर इस तरह की बातों में उलझी हुई हैं। मैंने कह दिया कि अभी शादी में नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, बस बात खत्म। हम लोग इन बातों को नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को भी मजबूर करें कि वो हमारी बातों पर अमल करें। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, भाभी जान नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और जब हम दोनों नहीं जाएंगे, भाभी जान नहीं जाएंगे, तो अब्बू भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब शादी में जाना कैंसिल। आना, जाके देखो कि भाभी जान तैयार है कि नहीं, और उनसे ये कहना कि सारी बातें अपने दिलो दिमाग से निकाल दे कि वो क्या है। बस ये याद रखें कि वो इस घर की बहू है, इस खानदान की इज्जत, शादी में उनको हमसे ज्यादा इज्जत मिलेगी। ठीक है, जाओ। जी।
अबू बाहर वेट कर रहे हैं। अरे मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस घर में हमारी औकात ही नहीं है। नौकरों से भी बदतर हालत हो गई है हमारी। खतरे से बाहर है, आपकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। देखिए अभी अभी उन्हें होश आया है और इतना बोलना उनकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। प्लीज मेहरबानी करके आप बाहर। देरी हो जाएगी, अब देखिए सब इंतजार करो। हेलो मैं रिदा बोल रहा हूँ। मैं रिदा बोल रही हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे अब्बू मुझसे नफरत करते हैं, इस हद तक कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये तो अच्छा है कि उन्हें होश आ गया, अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो इसके जिम्मेदार तुम होते हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो? अब बोलो ना, अब खामोश क्यों हो? ताहा एक और बात सुनो, अगर तुमने मेरी बहन से मिलना जुलना बंद नहीं किया ना तो मैं सारी बातें जाकर तुम्हारे अब्बू को बता दूंगी। खुदार, किसका फोन था? अबू, वो मेरे मेरे दोस्त का फोन था। देखो बेटे, अपने अबू से झूठ नहीं बोला करते। साफ सुनाई दे रहा था किसी लड़की का फोन है। अब क्या बातें हो रही थी वो हमारी समझ में नहीं आया। अब आप सब कुछ जानते हैं तो अबू सुनिए, रिदा का फोन था। क्या, रिदा का फोन? बेटे, क्या तुम अब भी रिदा से बात करते हो? नहीं अब्बू, उसे सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया कि उसके अब्बू को होश आ गया। चलो अल्लाह का शुक्र है उन्हें होश आ गया। खैर अब अंदर चलें, सब इंतजार करते होंगे। आ जाओ आ जाओ, कम Thank you.
ये लीजिए, ये वही फाइल है जिसकी हमें तलाश थी। आखिरकार ये फाइल हमारे हाथ लगी गई। कितनी मुश्किलों के बाद ये फाइल हमें मिली है। जरा देखिए तो, इसमें ऐसा है क्या? कि इस फाइल के डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक किससे है? ताल्लुक किसी से भी हो, मुझे लगता है ये बहुत ही अहम फाइल है। मगर कुछ पता नहीं चल रहा। तो फिर मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया। अब जो कुछ भी करना है वो मुझे करना है। सबसे पहले इस फाइल की डॉक्यूमेंट्स की तह तक पहुंचना है। इसके लिए फाइल की गहराई तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं फोन करूंगा। और याद है ना, 3 मिस कॉल दूंगा, चौथी रिंग पे उठा देना। ओके ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खानदानी लोग हैं और लोग हमारे खानदान को इज्जत की नजर से देखते हैं। आज तक हम पर या हमारे खानदान पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। हमारे खानदान पर कोई दाग ना लगे, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। क्यों अबू, आप ऐसे क्यों कह रहे? क्या मुझसे कोई गलती हुई? नहीं, और ना ही हम चाहते हैं कि कुछ हो। मगर इतनी रात गए आपका बाहर जाना,
हमें पसंद नहीं। अबू मुझे माफ कर दीजिए, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे जाना पड़ा। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? वो हारिस के कमरे में मैंने किसी को देखा था। क्या फिर कोई आया था? हाँ, और इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गई थी। अकेले जाने की क्या जरूरत थी, ये काम घर के मर्दों का है। हाँ, लेकिन मैंने सोचा आप लोग खामोखा परेशान होंगे, इसलिए मैं चली गई। आप भी कमाल करती हैं भाभी जान, मेरा इंतजार करती, मैं आपके साथ चलता। हाँ बेटे, ताहा बिल्कुल ठीक कह रहा है, आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा। रात बहुत हो गई है, जाइए जाकर आराम कर लीजिए। जी। पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर अंकुश पवार है। जी, मैं अली आवर साहब की बीवी बोल रही हूँ। जी बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, आज फिर हमारे घर में कोई दाखिल हुआ था, क्या हमारी बहू अबीर उसकी कंप्लेंट लिखवाने आई थी? जी नहीं, यहाँ तो नहीं आई थी।